जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप फेसबुक की स्टोरी में कोई भी अपनी वेबसाइट या यूट्यूब लिंक या कोई ऐप का लिंक किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं जिससे आपका दोस्त क्लिक करके उस वेबसाइट तक पहुंच जाए या फिर आप कई एप्लीकेशन को वो डाउनलोड कर ले। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो फेसबुक की ऑफिशियल साइट ऐप है उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है और वहाँ से आपको अपनी फेसबुक आईडी को लॉगिन करवा लेना है। अब दोस्तों, आपको डायरेक्ट सीधा आप अगर आप स्टोरी ऐड में आप यहाँ पर आप उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो दोस्तों वो उस पर वो आपका दोस्त क्लिक नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपको एक दूसरा तरीका मैं बताऊंगा जहां से आपका दोस्त उस लिंक पर क्लिक करके सीधा आपकी वेबसाइट या प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन का आप कोई भी लिंक दोगे वहां तक वो पहुंच जाए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, जो फर्स्ट में आपको यहां पर लिखा आ रहा है राइट समथिंग हेयर, तो दोस्तों वो जो आपने लिंक कॉपी किया है, जैसे कि मैंने यहाँ से एक यूट्यूब का लिंक कॉपी किया है और मैं यहाँ से इसको इसमें पेस्ट कर देता हूँ और इस लिंक को मैं यहां से शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, शेयर करेंगे ना तो दोस्तों यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ये शेयर पे क्लिक करेंगे, योर स्टोरी और दूसरा होता है न्यूज़ फीड। तो दोस्तों, ये ऑलरेडी न्यूज़ फीड पर ब्लू रंग का टिक होता है और यहाँ हमारी स्टोरी पर भी नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप दोनों पर टिक कर लेंगे तो दोस्तों ये आपकी फेसबुक की आईडी पे भी ये पोस्ट हो जाएगा और सेकंड में आपकी फेसबुक स्टोरी में भी। तो दोस्तों, अगर आप स्टोरी में इसको ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों ये जो ब्लू टिक है आप न्यूज़ फीड से इसको हटा दीजिए। अब इसको आप शेयर करेंगे ना तो दोस्तों जो लिंक आपने अपने राइट समथिंग हेयर में आपने जो लिंक पेस्ट किया था वो आपकी अब स्टोरी में ऐड हो गया है। अब ये दोस्तों, जैसे ही आप इस स्टोरी में क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप डायरेक्ट आप उसी लिंक के थ्रू कोई उसी भी वेबसाइट या आप अपने YouTube ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये लिंक मैंने क्लिक किया था और सीधा ये दोस्तों इस लिंक के मैं यूट्यूब के जो लिंक दिया था वो सीधा डायरेक्ट यहां से प्ले हो गया। तो दोस्तों, अब आपको एक जानकारी और दे दूँ, आपको यहाँ से अगर आप इसको ये स्टोरी ऐड करेंगे तो दोस्तों ये आपको फेसबुक लाइट में देखने को नहीं मिलेगा ये फंक्शन, सिर्फ आपको जो फेसबुक की ऑफिशियल ऐप है उसी में ही ये आप शेयर कर पाएंगे। आप अगर फेसबुक लाइट यूज़ करेंगे तो दोस्तों उसमें नहीं होगा, या फिर आप क्रोम ब्राउज़र में फेसबुक को लॉगिन करके भी आप फेसबुक की स्टोरी में लिंक आसानी से पोस्ट कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो यहाँ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।